नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हटेला न्यूज। लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता दौड़े दौड़े अस्पताल क्यों पहुंचे, क्या है खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पटना के पार्स अस्पताल क्यों पहुँचे, क्योंकि सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन साहब का जिस वक्त दिल्ली में इलाजरत थे और उस समय उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव शहाबुद्दीन से मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे। उसके बाद से शहाबुद्दीन साहब के जितने भी समर्थक थे वो काफ़ी नाराज थे तेजस्वी यादव से, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब और उनकी वाइफ हिना साहब, वो धीरे धीरे RJD से अपना रिश्ता नाता तोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते हुए भी जब शहाबुद्दीन का दिल्ली में इलाजरत थे और वहीं पर उनका इंतकाल भी हो गया और वहीं पर उनका मिट्टी भी दे दिया गया, और उस दौरान भी तेजस्वी प्रसाद यादव उनकी फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल नहीं हुए थे, जिससे लेकर शहाबुद्दीन के समर्थक और उनके जितने भी चाहने वाले थे वो तेजस्वी प्रसाद यादव से काफ़ी नाराज थे। लेकिन मंगलवार की शाम को जैसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव को पता चला कि दिवंगत शहाबुद्दीन की वाइफ हिना साहब की तबीयत खराब हो गई है, तो दौड़े हुए पटना के पार्स अस्पताल पहुंचे और ओसामा साहब से जाके मिले, और ओसामा साहब से जाके मिलने के बाद उनकी मम्मी का हाल चाल जाने, और उनके बाद उनके साथ कुछ पल उनके साथ बिताए, और उनके बाद हर संभव कहा कि RJD आपके साथ है, और उन्होंने ढेर सारी आश्वासन दिया कि आपको इस विकट परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कोई ये ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से तेजस्वी प्रसाद यादव के जो चाहने वाले थे, क्योंकि शहाबुद्दीन का जिस वक्त इंतकाल हो गया था तेजस्वी प्रसाद यादव एक दौरान भी उनसे ना तो जेल मिलने गए थे ना ही उनके फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल हुए थे, और उसको लेकर शहाबुद्दीन साहब के जितने भी समर्थक थे वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के घर गए और उनके बेटा से कई बार मुलाकात किए, और आज जब मंगलवार की शाम को तेजस्वी प्रसाद यादव जब पटना के पार्स अस्पताल गए और हिना साहब की हाल चाल जाना, इसके बाद से जितने भी शहाबुद्दीन के चाहने वाले थे और उनका दिल अब ये होने लगा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और RJD का पूरा परिवार दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ अभी भी बना हुआ है, और उस दौरान भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने RJD के कई बड़े बड़े नेता को शहाबुद्दीन साहब के घर भेजे थे और उनके इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए कहा था, और कई RJD के बड़े बड़े नेता दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के घर गए थे और उस दौरान उस विकट परिस्थिति में उनके साथ दिए थे, क्योंकि शहाबुद्दीन का इंतकाल अब लगभग 2.5 महीना हो चुका है, और उस दौरान से RJD और RJD परिवार और तेजस्वी यादव और ओसामा साहब के बीच कई ये दूर था कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का दिल अभी भी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन साहब के साथ अभी भी बरकरार है। शहाबुद्दीन साहब अब इस धरती पे नहीं है, दिवंगत है, लेकिन उनके परिवार के साथ RJD का पूरा परिवार उनके साथ अभी भी है। उनके हर सुख दुख में RJD के परिवार और खास करके लालू प्रसाद के बड़े बेटा हो या छोटे बेटा हो, उनके हर सुख दुख में ये लोग साथ देते हैं, और इसको देखते हुए शहाबुद्दीन साहब के जितने भी चाहने वाले थे अब वो धीरे धीरे RJD की तरफ अपने मुख करने लगे हैं, क्योंकि जब तेजस्वी प्रसाद उनके फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल नहीं हुए थे उस दौरान शहाबुद्दीन के कई चाहने वाले लोग RJD से अपने इस्तीफा दे दिया था और खुद को RJD से अलग कर लिया था। लेकिन जिस प्रकार की अभी RJD का जो नेता खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव का जो रवैया है उसको देखते हुए लग रहा है कि उनके पूरे परिवार शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ अभी भी बरकरार है। इस न्यूज को सुनने के बाद आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए से नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।